नहीं एक मिनट, डबल स्टैंडर्ड्स दोगलापन पे मेरा सवाल है आपसे रविदास मेहरोत्रा जी, साबिर अली जी एक मिनट, आप ये कह दी नहीं अर्नव, यू हैव सेड कि सब पॉलिटिशियन की आदत होती है कि नहीं सुनते, प्लीज दिस काइंड ऑफ कमेंट एटलीस्ट आई कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम यू। वन एक प्लीज साबिर, नहीं साबिर अली, पीपल हु टॉक्स अबाउट ऑन द चैनल्स इवन आई एम वॉचिंग दे डोंट स्टॉप बट यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोस पीपल, you are just saying the politician cannot hear it, this is not good comment. Okay, please. You have a right to your point of view and Sabir Ali, I have a right to mine, that's the democracy. My question is on hypocrisy or doglapan, but by tomorrow if I will comment about hypocrisy, so let me put it. Acha, 1 minute please Sabir Ali, you've registered your protest, I take your point. My question is that in July 2012 a person called Shahid Siddiqui was sacked from the Samajwadi Party because as an ex-journalist he went and interviewed Narendra Modi. तो मेरा सवाल ये है रविदास मेहरोत्रा जी कि आपके पार्टी के दिग्गज नेता थे शाहिद सिद्दीकी जो पहले पत्रकार थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू किया, आपने 24 घंटे के अंदर उनको पार्टी से बाहर निकाला कर दिया, बट यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट अ लीडर, सो इफ somebody interviews मोदी यू विल थ्रो हिम आउट, बट देर इज अ लीडर हु हैज इंसल्टेड ऑल इंडियंस विद अ हम्बल बैकग्राउंड, सबको इंसल्ट कर दिया, आप कुछ नहीं करेंगे उनके खिलाफ। सुनिए पहले, उनको निकालने का कार्रवाई करने का अधिकार समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको है, मुझको अधिकार नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं, उनका बयान गलत है और ये उचित नहीं है। गरीब से गरीब आदमी को भी राजनीति में प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है, गरीब से गरीब आदमी को भी। ये तो सीरियल ऑफेंडर है नरेश अग्रवाल, नरेश अग्रवाल इज अ सीरियल ऑफेंडर, नरेश अग्रवाल ने पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये सीरियल ऑफेंडर है। पहले एक बात सुनिए, एक मिनट किसी का बचाव, पहले बात सुनिए, हम किसी का बचाव करने यहाँ पर नहीं आए, ना किसी को सेव करने आए हैं ना बचाव करने आए, हम यहाँ पर ये कहने आए हैं कि जो उन्होंने बयान दिया, ये भी देख लीजिए कि नरेश अग्रवाल इस पैनल पे बैठे हैं, लगभग सभी लोगों के साथ रहे, बसपा में भी रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं, भाजपा को समर्थन देके भी सरकार बनाई है, आजकल इसमें है, तो उनके लिए ये कार्यक्रम जो है वार्षिक रूप से है, 5 साल में होता रहता है, इसलिए जितने मित्र बैठे हैं सबके साथ उनका संबंध रहा है। You know, I'll tell you one thing. Why am I discussing this? Ravidas Mehrotra, and by the way, I'd like to say this on right now. बचे हो. Right now, 1 minute, 1 minute. You know, today, the T-boy storm is the top national trend. Everybody in the country is talking about it. And I would like to reiterate, even our ex-president, President Kalam, came from very humble origins. Our current president, the Honorable Rashtrapati Pranab Mukherjee, he grew up in a family where he had to go 10 kilometers walking up and down from his own village. He didn't have a cycle and he talks about his humble origins. तो आपने पता है आपने क्या किया है आपके पार्टी ने, आप कह रहे हैं आप बचाव नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप बचाव करने के लिए कुछ है नहीं। आपने आपकी पार्टी के कई लीडरों की घमंड जो है, एक मिनट बोलने दीजिए प्लीज, बोलने दीजिए, जो घमंड है इन लीडरों की, इनकी घमंड इतनी बढ़ चुकी है कि आप तो आप जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे लोग आपको माफ नहीं करेंगे। और अगर ये कह रहे हैं कि चाय वाले का बेटा कोई बन नहीं सकता है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा क्या ये सच है कि नरेश अग्रवाल जी के अपने बेटे नितिन अग्रवाल पॉलिटिक्स में है और उनके कितने फैमिली मेंबर्स पॉलिटिक्स में है? चाय वाला का जो चाय बेचता है वो कोई पूछ नहीं बन सकता है, मगर नरेश अग्रवाल का बेटा जरूर बन सकता है। दिस इज कंप्लीट हिपोक्रेसी, ये दोगलापन है, इट इज डबल स्टैंडर्ड्स, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल एट एनी लेवल। आसिफ, कि यूपी में इन्हीं की सरकार है और पिछले साल में 150 दंगे हुए हैं, हजारों लोगों बेकसूरों की जान गई है, उस पर इन्हें कुछ नहीं कहना। और झूठ के बोल रही है, उस पर भी इनके दोहरे दंड है।
और सबसे बड़ी बात इस देश के सामने है कि कांग्रेस ने लाखों करोड़ों के जो घोटाले किए हैं, 2G का स्कैम देख लीजिए, कोलगेट का स्कैम देख लीजिए, चॉपर गेट का देख लीजिए, अंतरिक्ष देवास का देख लीजिए, टेट्रा ट्रक्स का देख लीजिए, वो सारे कोभांड जो आपके और मेरे टैक्स पेयर्स मनी है, वो लाखों रुपए का जब हिसाब देने की बात आई तो छोटे प्लेयर्स को लगा दिए ग्राउंड में और पूरे देश का ध्यान बंटवाने के लिए ये छोटे छोटे इश्यूज और नाम को उठा लेते हैं, कुछ भी कमेंट कर देते हैं। और आजकल एक फैशन चल चुका है, कोई भी रीजनल नेता अगर बड़ा टॉप का नेता बनना चाहता है तो बस नरेंद्र मोदी को दो गालियां दे दीजिए, गुजरात को एब्यूज कर लीजिए, 2002 की बात कर लीजिए तो आप बड़े नेता बन जाएंगे। लेकिन ये जो छोटे रीजनल प्लेयर्स हैं, ये नहीं समझते कि वो हमेशा कंपाउंडर रहेंगे, कभी डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। देश में केवल दो ही लोग शासन कर सकते हैं, या तो यूपीए करेगी या एनडीए करेगी, और उसमें बड़े प्लेयर्स हैं बीजेपी एंड कांग्रेस। कांग्रेस को पता चल चुका है कि अब उनकी सरकार 200 दिनों से भी कम है, और यही कारण है कि वो रैटल हो चुके हैं और रीजनल प्लेयर्स को बीजेपी के सामने कर दिया है। यू नो, मैं सिर्फ एक पॉइंट कहूंगा, अभी थोड़ी डिनेस्टी के बारे में डिस्कशन हुई थी, जस्ट वन क्विक कोट, एक डिनेस्टी के बारे में क्वेश्चन हुई थी कि आप डिनेस्टी पॉलिटिक्स के में जा रहे हैं। अब एक आदमी नरेंद्र मोदी है, कोई भी डिनेस्टी से नहीं आ रहा है, उसको अगर आप गाली देंगे, उसको अगर आप कहेंगे कि चाय वाला है, तो दैट इज द बिगेस्ट इंसल्ट। ही इज आउट ऑफ एवरी डिनेस्टिक पॉलिटिक्स। एक आदमी जो आ रहा है, सब लोग मिलके उसको दबा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, यू आर डूइंग हिम अ बिगेस्ट फेवर, व्हिच आई वाज सेइंग इन द बिगिनिंग, वही पब्लिक उसी को वोट करेगी, व्हिच इज वेरी गुड। यू कांट हैव डबल स्टैंडर्ड्स, यू कांट हैव हिपोक्रेसी, यू मस्ट स्टॉप। दैट्स द वन पॉइंट व्हिच आई मेक, बट आई जस्ट वांट टू आस्क द बीजेपी वन क्वेश्चन, hypocrisy also of the BJP, because I got this, I won me. You see, now Narendra Modi claimed in 2004 during an election rally that 20 shopkeepers were asked if they would employ Mrs. Gandhi as a clerk, all replied in the negative, and he also said they also asked whether they would keep her son as a driver, no one was prepared. So my point is that during an election rally in Pattan, Modi also made completely personal remarks referring to certain occupations, a clerk and a driver, and use that pejorative expression in the context of Mrs. Gandhi and Rahul Gandhi. So, tell me this, for all the expression of hurt from the... 1 minute, you know that happened. For all the expression of hurt today... Should stop. For all the expression of hurt today, and Asifa, you know what I'm talking about. You've done the same thing. You should apologize. Yeah, that's why I think an apology is in order, because otherwise this is a story of double standards. Will you or will the nation judge Mr. Modi on some election speech given in... I am asking about... You judge Naresh Agarwal, but you can't judge Modi. Will you, if he had said that thing, Mrs. Sonia Gandhi had said something, North ka Saudagar in 2 minutes on the debate. I'm getting a counter on that from Shakti Singh Goyal. Arnav, I think we are losing track of where the debate should be going. I think... We all need to rise above, and there are issues which needs to be debated seriously. Unfortunately, this time there was we have been pushing Narendra Modi ji also in various speeches had said let's debate development, but the Congress then came up with the communalism and secularism issue. They tried to divert, we tried to focus. This has touched a raw chord everywhere. What Mr. Alag is saying on the economy and everything, and now please hear me now again. When the Congress is tired of it, that they cannot take the bogey of secularism, communalism further, these are the supportive parties of Congress, and at the center, they are throwing these kinds of issues. One minute, please. The point here is that I spoke about double standards. The appropriate phrase for double standards is dohre mapdand. And what we are saying is there should not be dohre mapdand in politics. I give a last word here to Shakti Singh Goyal. Shakti Singh Goyal, rise above politics. We began with you, I'm closing with you. Rise above politics here today. Here's an opportunity for you to take the debate to another level. But will you? Arnab, in beginning also I have said that politics should be with dignity and decency. हमने पहले भी कहा है और आज भी मैं कहता हूं कि हमने कभी वो राजनीति नहीं करना चाहते, और ये जो हुआ
नरेश अग्रवाल जी के स्टेटमेंट के साथ भी हम एग्री नहीं किए हैं, हमने कोई डिफेंड नहीं किया, हमने कहा ये नहीं होना चाहिए, पर हम आप ये भी बात नहीं करें कि आज ही नरेंद्र मोदी जिस तरह से बोले, यहां पे बीजेपी स्पोक्स पर्सन वो खुद कहती है कि कंपाउंडर डॉक्टर नहीं बन सकता है। अरे क्यों नहीं बन सकता है, कंपाउंडर भी डॉक्टर बन सकता है, यू हैव नो राइट टू से एनीथिंग अबाउट द पर्सन, कैसे कहां कौन पैदा हुआ है उसके आधार पे नहीं होता है, मानसिकता क्या है उसके आधार पे होती है, हम कतई इसको साथ नहीं देते हैं, मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूं ऐसी भाषाओं का, मेरी पार्टी विरोध करती है। रैट और उस तरह के नाउ वन मिनट विधानसभा चुनाव में मैं तो बहुत आपके दोनों अर्णव और आपको 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 दिखाया जनता ने दे दिया है। एक लास्ट पॉइंट मिस्टर मेहरोत्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल वन मिनट, आई एम रैपिंग दिस अप, आई हैव वन थिंग टू से टू मिस्टर मेहरोत्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर मेहरोत्रा, आई थैंक यू फॉर कमिंग, धन्यवाद कि हमारे प्रोग्राम पे आप आए, मुझे तो लग रहा था समाजवादी पार्टी से कोई नहीं आएगा। दूसरी बात, आप अपने पार्टी लीडर्स को ये जरूर जाके कहिए कि लोग किस तरह से फील करते हैं इस कॉमेंट पर, उसके बाद कोई एक्शन ले ना ले ये मुलायम सिंह यादव और अखिलेश की जिम्मेदारी है, मगर आप उनको जरूर कहें हाउ स्ट्रांगली पीपल फील अबाउट दिस कमेंट। आई थैंक यू, आई एम कमिंग बैक ऑन डिबेट नंबर वन बिकॉज टुनाइट द आम आदमी पार्टी, द आम आदमी पार्टी कांट गेट अवे ईदर, इट हैज अ लॉट टू आंसर फॉर, आई एम बैक इन अ फ्यू मिनट्स।